बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराजा जरासंध के 5226वां जन्म दिवस के मौके पर आयोजित जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, कला संस्कृति मंत्री के अलावे जदयू के कई विधायक मौजूद थे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाए रहे और उद्घाटन के बाद बिना कोई संबोधन के चलते बने। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। आपको बताते चले कि जरासंध मगध के राजा थे और राजगीर में जरासंध का अखाड़ा भी है, जो अपने आप में एक इतिहास है। इसी अखाड़े में जरासंध मल्ल युद्ध करते थे, यही कारण राजगीर को जरासंध की नगरी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरासंध के अखाड़े को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए कई बार केंद्र सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आग्रह भी किया, मगर आज तक कोई कार्य नहीं कराया गया, जिसके कारण मुख्यमंत्री पूर्व में नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने इतना तक कहा था कि अगर केंद्र सरकार बिहार सरकार को इसे विकसित करने की अनुमति दे तो हम लोग इसे विकसित करने के लिए तैयार हैं, मगर आज तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि जरा देवी मंदिर के पास जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई और इसी स्थल के पास महोत्सव का आयोजन किया गया। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि भारत में पहली बार महाराजा जरासंध की जयंती और महोत्सव मनाया गया है, जिससे हम लोग काफी खुश हैं। जरासंध का महोत्सव मनाया गया। महाराज जरासंध जी का 5226वां जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ राजगीर में संपन्न हुआ और हम सब चंद्रवंशी समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, चूँकि पूरे भारत वर्ष में पहली बार किसी राज्य में राजकीय तौर पर जरासंध जी की जयंती मनाई गई है और हम लोग सब काफ़ी गौरवान्वित हैं, क्योंकि महाराज जरासंध पूरे मगध ही नहीं पूरे भारत के महाराज थे और उनको भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का राजा मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है कि जरासंध जी पृथ्वी राज थे, पृथ्वी के राजा थे। तो ऐसे कृतिमान व्यक्तियों का जयंती मनना चाहिए और चूंकि बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल किया है और हम सब जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, सब काफ़ी खुश हैं, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और पूरा राजगीर में पूरे मगध में चूंकि उनका साम्राज्य रहा है, यहाँ के कण कण में महाराज जरासंध जी की कृति बसी हुई है। यहाँ जरासंध अखाड़ा है, यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनने जा रहा है राजगीर में और एक पार्क बनेगा, जिससे कि लोग काफ़ी लाभान्वित भी होंगे और उनके कृति के बारे में जान सकेंगे। हम लोग सबका इच्छा भी है कि चूंकि ये प्रथम वर्ष था राजकीय जयंती मनाने का, द्वितीय वर्ष अगले साल और बृहत रूप से मनाया जाए। हम बिहार सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को जो यहाँ पर कन्वेंशन हॉल है, जहाँ की लाखों की संख्या में चंद्रवंशी समाज आएंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत होंगे और इसका जो मैसेज है वो भी काफ़ी दूर तक जाएगा, पूरे भारत में जाएगा कि जरासंध जी की जयंती इतने उत्साह के साथ मनाया गया राजगीर में। क्या परिचय हुआ आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू बिहार।